तो द सुप्रीम एल्केमी मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टिया ने फैंग के हेल्प के लिए उसे फॉलिंग गोल्ड कार्ड दिया था, जिसके बाद फैंग लनहाओ मेंशन में अपनी पहली क्लास अटेंड करने को आ गया था, जहां उसकी मुलाकात सीसी से होती है, जिसके लास्ट सीन में फैंग जिन और बाओ से अकेले ही फाइट करने चला गया था। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक ओल्ड डिसाइपल को एल्डर सैन से कुछ बोलता देखते हैं, जो बोल रहा था कि भले ही फैंग आज कितना भी टैलेंटेड हो, पर आज उसने अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि आज वह किसी भी तरह इन दोनों को एक साथ हरा नहीं पाएगा। जिसे सुन बगल वाला डिसाइपल बोलता है, ना मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो फैंग बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है, इसीलिए तो उसने इन दोनों को चैलेंज किया है। जिसके बाद हम जिन को देखते हैं, जो अपने वाइन का यूज करके फैंग को जकड़ लेते हैं ताकि वो अपना मूवमेंट ना कर पाए, और इधर बाव इसका फायदा उठाते हुए अपने वज्रा फिस्ट का अटैक फैंग की ओर करने को बढ़ता है। जिसे देख फैंग पहले तो फियरस फ्लेम आर्ट मेथड का यूज करते हुए अपने आप को पहले उन वाइन से आजाद करवाता है, और फिर गोरिल्ला एब्सटेंस मेथड के यूज से बाओ के वज्रा पंच को रोकने लगता है। और ना कि बस उसने रोका ही रहता है, बल्कि फैंग इस पावरफुल टेक्निक की हेल्प से बाओ को पीछे भी भेज देता है, जिसके ऐसा करने से वहां सभी मौजूद दर्शक हैरान हो गए थे, क्योंकि बाओ एक स्ट्रॉन्ग ओल्ड डिसाइपल था और वही दूसरी ओर फैंग एक बिगनर। फिर हम जिन को देखते हैं, जो अपने हाथों से बाज न आते हुए फैंग पर ऑरा थ्रोन स्किल का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है, पर फैंग के गोल्डन एब्सटेंस मेथड के सामने वो टिक नहीं पाता और इसके इम्पैक्ट से पीछे जाते हुए बाओ पर ही जा गिरता है। तो फैंग उनके इस हालत में देखकर उनके मजे लेते हुए बोलता है कि क्या हुआ, अभी तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और क्या तुम अपने इसी फाइटिंग स्किल को हमें सिखाने वाले थे। जो बात सुनकर जिन उठते हुए बाओ के साथ एक कोऑर्डिनेट मूव परफॉर्म करता है, जिसमें सबसे पहले जिन खुद फैंग के पास जाकर अपने एक और टेक्निक का यूज कर उस पर अटैक करता है, ताकि वह बाओ को अपने अटैक बनाने के लिए कुछ समय दे सके, जिसके इस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए फैंग एक ही किक में जिन को पीछे भेजते हुए बाओ के अटैक से बचना शुरू कर देता है। जिन सब अटैक को फैंग को इस तरह डॉज और बर्बाद करता हुआ देख वह पहला डिसाइपल एल्डर सैन से पूछता है कि आखिर फैंग ये कौन से टेक्निक का यूज कर रहा है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ इस हद तक बढ़ गई है। जिसके इस सवाल का जवाब तो एल्डर सैन के पास भी नहीं था, इसलिए वह बोलते हैं कि फैंग जिस टेक्निक का भी यूज कर रहा है, वह टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है और काफी एंशियंट भी मुझे लग रही है, पर मेरे ख्याल से जरूरी यह सुआन लेवल का टेक्निक होगा, जिससे मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि जरूरी फैंग किसी पावरफुल टीचर के गार्डियंस में है। उसने ही फैंग को ये पावरफुल टेक्निक सिखाई है, और अगर वह टेक्निक उस मास्टर ने सिखाई है तो वह जरूरी एक पावरफुल कल्टीवेटर होगा। फिर हम जिन को देखते हैं, जो अभी काफी गुस्से में आ चुका था, जो बोलने लगता है कि बहुत हुआ इस फैंग का, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, जो बोलकर वह वहां पर किसी तरह का पावरफुल फॉर्मेशन बनाने लगता है, और साथ में हम उसकी बॉडी से काफी ज्यादा मात्रा में ग्रीन ऑरा रिलीज होता हुआ साफ देख सकते हैं, जिस फॉर्मेशन से यह हुआ उस लैस अटैक बाहर निकलता है, जो जिन सीधे फैंग की ओर ही लॉन्च कर देता है। जिस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देख फैंग उसे काफी इजिली डॉज कर लेता है, पर हम देखते हैं कि यह हुआ उस लैस बुमरैंग की तरह घूमकर वापस फैंग की ओर आने लगा था। जो मुआउस लैश टेक्निक फैंग को लगती, उससे पहले ही फैंग की बॉडी से काफी ब्राइट लाइट बाहर आती है, जिसकी वजह से हम फैंग के सिर के ऊपर एक अजीब से चीज को अपेयर होता हुआ देखते हैं, जिसका नाम फिजिकल विजन होता है। जो क्या है अभी वह हमें जल्दी पता लगने वाला है। तो फैंग की बॉडी से जो अभी ऑरा रिलीज हुआ था, उसकी वजह से वह हुआ उस लैश अटैक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, जिसकी वजह से फैंग सीधे बाओ की ओर बढ़ता है, जो उस पर अटैक करने को ही आ रहा था, जिसके अटैक को फैंग रोकते हुए अपने आइस एट्रीब्यूट का पावर का यूज करते हैं, जिससे वह बाओ के पूरे हाथ को ही फ्रीज कर डालता है, जिन सब की वजह से बाओ फैंग से लड़ नहीं पाता और जमीन पर जा गिरता है। जिसके बाद हम फैंग की बॉडी से जो पहले वो ब्राइट लाइट निकली थी, अब उसकी बॉडी से वो और भी काफी ज्यादा अमाउंट में निकलने लगा था, जिसे देख वह पहले वाला ओल्ड डिसाइपल बोलने लगता है कि यह तो फिजिकल विजन है, पर फैंग इसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, इसे तो बस मार्शल स्प्रिट रेलम वाले कल्टीवेटर ही एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन फैंग ने तो बस अभी मार्शल मास्टर रेलम पर ही ब्रेक थ्रू किया है, तो वह इसे कैसे कर सकता है। वाकई में फैंग तो यंग जनरेशन का सबसे बड़ा टैलेंट है, जो मार्शल मास्टर रेलम पर होने के बावजूद भी इतने पावरफुल फिजिकल विजन को एक्टिवेट कर पाया, और ऐसे बहुत ही कम कल्टीवेटर हुए हैं जो मार्शल मास्टर रेलम पर होने के बावजूद भी फिजिकल विजन को एक्टिवेट कर पाए। जिसके ही बोलते ही हम फैंग को देखते हैं, जिसकी बॉडी से अभी वो ऑरा रिलीज होना बंद हो चुका था, जिन सबका यह मतलब था कि फैंग अब मार्शल मास्टर रेलम पर आ चुका था।
जो ब्रेक थ्रू जब कंप्लीट होता है तो फैंग जिन को बोलता है कि तुमने मुझे मार्शल मास्टर रेलम पर पहुंचने में बहुत मदद की है, इसलिए इसके लिए शुक्रिया तो बनता ही है। जो बोलकर फैंग काफी फास्टली जिन के पास जाकर एक काफी पावरफुल पंच उसे दे मारता है, जिसके लगते ही वह काफी दूर चला जाता है, जिसके आगे फैंग बाव की ओर बढ़ता है जो अभी बेचारा बस उठ ही रहा था। पर इसके बावजूद बाव अपने आप को किसी तरह से फैंग के अटैक से बचाने की कोशिश करता है, पर फैंग अपनी फास्ट मूवमेंट का यूज करके बाव के पीछे आकर उसे किक दे मारता है, जिसके लगते ही वह पहले जैसे जिन के ऊपर ही जा गिरता है। जिसके बाद फैंग जिन के पास जाते हुए उसे बोलता है कि अब तुम अपनी हार मान लो, वरना आज मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। पर जिन डरते हुए बोलता है, हार वह भी तुमसे? मैं कभी नहीं मान सकता, मैं तुमसे काफी पावरफुल हूँ। जो बात जैसे जिन ने बोली थी तभी वह फैंग के बॉडी से निकल रहे ग्रीन ऑरा को नोटिस करता है, जिसे देखने के साथ वह दोनों घुटने के बल बैठकर फैंग से माफी मांगने लगते हैं। बोलते हैं कि हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई और हम अपनी हार मानते हैं, हमें छोड़ दो। जिन दोनों का ऐसा माफी मांगता हुआ देख फैंग काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि कुछ समय पहले तो वह दोनों उसे काफी कुछ बोल रहे थे। पर तभी फैंग को याद आता है कि उसकी बॉडी से जो वह ग्रीन ऑरा निकला था वह लिंगर का काम था, जिससे इन दोनों को लगा कि मैं उन पर एक और अटैक करने वाला हूँ, इसलिए तुरंत वह मुझसे माफी मांगने लगे। यह लिंगर भी ना कभी नहीं सुधरेगी। और अब जबकि फैंग ने उन दोनों को हरा दिया रहता है तो एल्डर सैन से अपना रिवॉर्ड मांगता है, जिसे रिवॉर्ड के तौर पर एल्डर सैन उसे 2000 पॉइंट दे देते हैं। जिसके साथ ही हम यहाँ के ऑडियंस को देखते हैं जो फैंग को ही सब चीयर कर रहे थे, बोलते हैं कि फैंग बहुत अच्छे, जिसके दिखाते ये सीन यहीं पे कट हो जाता और हमें अब सीसी को कहीं जाता हुआ दिखाया जाता है, जो जब कहीं जा रही थी तभी उसकी ओर हम फैंग को आता हुआ देखते हैं, जो सीसी को देख बोलने लगता है कि लास्ट टाइम उस बैटल ग्राउंड में मैं तुमसे कुछ ज्यादा बात नहीं कर पाया, तो तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है बताओ। तो सीसी फैंग को बताती है कि मैं अभी मार्शल आर्ट पवेलियन में जा रही हूँ, जहाँ एल्डर सैन ने तुम्हें भी बुलाया है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें अपनी ट्रेनिंग के बारे में तुम्हें रास्ते में बताती हूँ। जिसके बाद जब सीसी फैंग के साथ मार्शल आर्ट पवेलियन की ओर जा रही थी तब वह फैंग को बताती है कि मेरी ट्रेनिंग काफी अच्छी चल रही है, जिन सब में मेरी सबसे ज्यादा मदद यून दीदी ने की है, जिन्होंने मुझे कई सारे नए मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाए और मेरे पुराने मार्शल आर्ट टेक्निक को कुछ इम्प्रूव करने की टिप्स भी दिए। और आपको पता है जब मैं ट्रेनिंग के दौरान उसे फाइट कर रही थी तो वह मुझे थोड़ा सा भी हर्ट नहीं होने दे रही थी, और वह मुझसे काफी अच्छी तरह से बात भी कर रही थी, वाकई में वह तो बहुत अच्छी है। जो सब बातें बताते हुए सीसी फैंग के साथ मार्शल आर्ट पवेलियन में आ चुकी थी, जो मार्शल आर्ट पवेलियन वाकई में बहुत ही बड़ा था और यहाँ पर कई सारे एंशियंट स्क्रोल रखे हुए थे, जहाँ पर जब वह दोनों घूम रहे थे तभी फैंग वहाँ पर यून और हान को नोटिस करता है, जो लोग वहाँ पर कुछ स्क्रोल को चेक कर रहे थे। तो हान जब देखता है कि उसके सामने फैंग है तो वह तुरंत ही उसे डरते हुए ग्रीट करता है, बोलता है कि फैंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे बताइए मैं आपकी क्या मदद करूँ, आपको कोई स्क्रोल चाहिए तो बताइए। जिसके बातों का जवाब फैंग कुछ दे पाता उतने में ही वहाँ पर एल्डर सैन आ चुके थे, जो उन चारों को बोलते हैं कि आओ तुम लोग मेरे पीछे आओ, मैं तुम सभी लोगों को यह मार्शल आर्ट पवेलियन दिखाता हूँ और साथ में यहाँ पर तुम्हें जो भी मार्शल आर्ट टेक्निक पसंद है तुम वह ले सकते हो। जो बोलकर एल्डर सैन उन चारों को मार्शल आर्ट पवेलियन के अंदर ले जाने लगते हैं, जिस जगह के जैसे जैसे वह लोग गहराई में जा रहे थे वैसे वैसे उन्हें कई सारे स्क्रोल देखने को मिल रहे थे, और साथ में उन्हें यह भी पता चलता है कि यह मार्शल आर्ट पवेलियन वाकई में बहुत ही बड़ा है। पर तभी हम सीसी को देखते हैं जो काफी देर से यहाँ पर रखे हुए अलग अलग मार्शल आर्ट स्क्रोल को ही देखते जा रही थी, जो अब एल्डर सैन से सवाल करती है कि क्या यहाँ पर रखे हुए सभी मार्शल आर्ट टेक्निक बहुत ही पावरफुल हैं। जिसके बातों का जवाब एल्डर सैन यह देते हैं कि तुम अपने सामने इस मार्शल आर्ट पवेलियन में जितने भी मार्शल आर्ट टेक्निक के स्क्रोल देख पा रही हो वो सभी बिगनर लेवल के हैं, और अगर तुम्हें एडवांस लेवल का मार्शल आर्ट टेक्निक सीखना है तो उसके लिए तुम्हें जनभाव पवेलियन में जाना पड़ेगा। जिस पवेलियन में जाना और उसके एडवांस लेवल के मार्शल आर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उस पवेलियन में जाने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स चाहिए, जिसके लिए हर एक कल्टीवेटर अपने एक साल के पॉइंट को अगर एक जगह इकट्ठा भी करेगा तभी वो उस पवेलियन में ना जा पाएगा, इतना महंगा है उस पवेलियन का चार्ज। जो सब बातें वहाँ पर फैंग भी सुन लिया था और अभी उसके पास जबकि 2000 पॉइंट है तो वह जरूर इस जनभाव पवेलियन में जाने की कोशिश करेगा, जिसके दिखाते एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।